प्रत्याशी घोषित कर दिया जिसमें आपका भी नाम है, बड़ी चुनौती आपके सामने रहेंगे, क्या कहते हैं आप इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने हमेशा चुनौती जीत की रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती को स्वीकार करते हुए जीतते रहे। पिछले बार जरूर अपवाद को अगर छोड़ दें तो विदिशा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और पिछले बार का जो हिसाब है वो इस बार मैं भी आज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुकाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय अमित शाह जी को, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान को, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी को, संगठन महामंत्री आदरणीय हेतानंद जी भाई साहब को, आदरणीय हमारे शिव प्रकाश जी भाई साहब को, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक बार पुनः मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर ये बड़े जो है बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं को वो विदिशा की देवतुल्य जनता की ओर से मैं निश्चित रूप से उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, शहर में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही हो, हमेशा जनता के बीच में उन्होंने काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। विदिशा की जनता ने अभी नगर पालिका में भी प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में और जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। 40 सालों से ज़्यादा भाजपा का इस सीट पर कब्जा था, लेकिन साल 2018 में ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। 2023 में क्या वापसी होगी भाजपा? भूली ताई विसार दो, अब आगे की सुतलो, जो खराब है उसको भूल जाओ और आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जो है वे सर्विस से इंतजार कर रही है और जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी। भाजपा में विदिशा के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, अब उन लोगों को आप कैसे मनाएंगे? देखिए, लोगों को टिकट नहीं मिला, कोई नाराज नहीं है, मनाने का सवाल ही नहीं, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस को हराएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।